नमस्कार, मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे ऐसी पीढ़ी की जिसमें से कुछ बच्चे कमाई की शुरुआत कर चुके हैं और कुछ जल्द ही अपनी पहली सैलरी कमाएंगे। ये होते हैं जेन जी, जिन्हें जूमर्स भी कहा जाता है। तो आज बताएंगे कैसे जेन जी अपने खर्च और बजट में तालमेल बिठा सकते हैं और शौक पूरे करने के साथ साथ निवेश भी कर सकते हैं। तो क्या रहे खास स्ट्रैटेजी इन जेन जी की और कौन होते हैं जेन जी, इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं दो खास एक्सपर्ट से, विकास पुरी हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स और प्रतिभा गिरीश फाउंडर फिनवाइज। विकास और प्रतिभा दोनों का बहुत स्वागत है मणिगुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि हम जेन जी की बात करने वाले हैं, इसलिए समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि मिलेनियल्स की खूब चर्चा अब तक होती रही है कि मिलेनियल्स देश का भविष्य है, वो जिस तरीके से नींव रखेंगे वैसा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन एक और जनरेशन तैयार हो रही है जो कि ना सिर्फ टेक्नो सैवी है बल्कि मोर अवेयर है अपने डिसीजंस को लेकर। इसलिए विकास, सबसे पहले ज़रा समझते हैं जेन जी, कैसे पहचाने इनको, कौन होते हैं ये? धन्यवाद स्वाति। सो जेन जी वो है जो जनरली 1997-98 से लेके 2012-13 की जो एक फेज है उसमें जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको जेन जी बोलते हैं। इसके पहले वाले मिलेनियल्स माने जाते थे। और ये वो जनरेशन है जब स्वाति वर्ल्ड बहुत स्पीड से बढ़ा और वर्ल्ड में जो इंटरनेट और सोशल मीडिया और इसका जो स्टार्ट हुआ वो उसके कारण जो वर्ल्ड में जो इंफॉर्मेशन फ्लो था वो इतनी फास्ट हुआ कि ये बच्चे बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। मतलब जो हमारी एज में हमें 20 या 25 या 30 साल लग जाते थे कुछ चीजों की जानकारी होने में, इन बच्चों को बहुत जल्दी मिल जाती है वो जानकारी आज की तारीख में। ये बहुत इन्फॉर्म्ड है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और इन्फॉर्मेशन फ्लो इनके पास बहुत फास्ट आता है। इसमें अधिकतर जो बच्चे हैं वो अभी टीम्स में होंगे और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने करियर की नई शुरुआत कर रहे होंगे, जो अपना जॉब रिसेंटली स्टार्ट किया होगा या जस्ट किए हुए कुछ साल ही होंगे। सो जनरली 11 से 26 साल की आयु वाले जो बच्चे या व्यक्ति हैं वो जेन जी बोले जाते हैं। बिल्कुल, तो प्रतिभा जैसा आप हमने समझा 11 से 26 साल तक की आयु की जनरेशन को जेन जी कहा जाता है, जिसमें प्री टीन्स भी हैं, टीनेजर भी हैं और फिर अडल्ट्स भी शामिल है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग ये जो जेन जी की जो पॉपुलेशन है वो 50% ऐसी है जो अभी कमाई की शुरुआत जिसने नहीं की है, अगर हम प्योर टर्म्स में बोलें, मतलब नौकरी की शुरुआत ऐसे नहीं कि वो अभी अपने स्टडीज़ ही कर रहे होंगे, और 50% ऐसे हैं जो कि अभी जिन्होंने नई नई नौकरी की शुरुआत की होगी और उनके करियर के कुछ शुरुआती साल होंगे। मुझे आपसे समझना है ये जो जेन जी होता है उसका निवेश के प्रति ट्रेंड कैसा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो मिलेनियल्स हैं वो लाइफस्टाइल पर भी खर्च करना चाहते हैं, लोन लेकर वो घर भी खरीद रहे हैं, गाड़ी भी खरीद रहे हैं और वेकेशन भी प्लान कर रहे हैं, पर जेन जी क्योंकि बिल्कुल इंटरनेट के ज़माने में पैदा हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में पैदा हुए हैं, तो उनका निवेश ट्रेंड भी क्या उतना ही टेक्नोसैवी है? एब्सोल्युटली, वो डिजिटल तो उनके लिए नेचुरली आता है, तो वो बहुत ही सैवी होते हैं और बहुत एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी ये सब का सोच समझ के वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि प्योर प्रेशर में उनका कभी कभी एक्सपेंसेस हो सकता है कि सबसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स में वो ज्यादा स्पेंड करना चाहे और यू नो अपने फ्रेंड्स के सामने एक स्टेटस मेंटेन करना चाहे, लेकिन उनका इंटरेस्ट भी है। अगर हम जेन जी की बात करें, जब हम फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंप्स वगैरह करते हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स, बच्चे भी आगे आते हैं कि हमें समझना है ये इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है। ये पहले ज़माने में शायद ऐसा होता नहीं था कि हम खुद इनिशिएटिव लेके इन्वेस्टिंग के बारे में समझने की कोशिश करते थे। वो अपना कितना भी पॉकेट मनी हो, थोड़ा बहुत वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना फाइनेंशियल डिसीशंस जो है फैमिली का उसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आमतौर पे हमारे इंडियन फैमिलीज में फाइनेंसेस को एक मतलब सीक्रेसी एक रहती है और बच्चों के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जनरेशन जो है सामने आके पूछ रहा है क्वेश्चंस कि क्यों कर रहे हो आप मेरे एजुकेशन के लिए, कहाँ पे सेव कर रहे हो, क्या रिटर्न्स आया, ये सब समझ रहे हैं। बिल्कुल, तो ज़्यादा जानकारी भी रखते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल वर्ल्ड से काफ़ी
गहरा नाता है, तो काफ़ी चीज़ें जेन जी को पता भी हैं ऑलरेडी और काफ़ी ज़्यादा पेस में ये चीज़ें ग्रास भी कर रहे हैं। तो ऐसे जेन जी जिन्होंने अभी नौकरी की शुरुआत नहीं की है विकास, और ऐसा जो तबका है इन जेन जी का, उनको ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती होगी। कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अपने टैलेंट के बेसिस पर पैसे कमाते हैं, ऐसे भी जेन जी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे अलग अलग क्षेत्र में, आर्ट्स के, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक नया प्लेटफॉर्म भी है। पर मेजर जो उनका टाइम होता है वो पढ़ाई में ही जाता है एज स्टूडेंट, तो नौकरी से पहले के जो ये जेन जी हैं, उन्हें अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर क्या सीखने की ज़रूरत है इस स्टेज में? स्वाति, जेन जी के लिए सबसे बड़ा, देखिए जैसा आपने बोला कि वो लोग अर्निंग भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स के जरिए, या आजकल रियलिटी शोज आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के भी अर्निंग हो जाती है, बट ऐसी जो तादाद है वो बहुत कम है। अगर आप मेजॉरिटी में देखेंगे तो जेन जी इज मोर इनटू स्पेंडिंग रादर देन सेविंग, ये एक फैक्ट है। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो बच्चे खुद से पैसा नहीं कमाते तो वो ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स की जो अर्निंग्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और आप आए गए दिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान भी होते हैं कि उनको एक्सपेंसिव फोन चाहिए या उनको ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए। ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बिकॉज उनको वो रोटी कपड़ा मकान या बेसिक नीड्स शायद उन्होंने उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं अलग अलग गैजेट्स का और ये सब। कुछ बच्चे हैं जो जिनके घर में कल्चर है सेविंग का, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि घर में कल्चर कैसा है सेविंग का, उसको देखते हुए जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें कुछ बच्चे जरूर होते हैं जो हम जैसे आए गए दिन लोगों से मिलते हैं तो वो हमें पूछते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमें कोई तरीका बताइए। और आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स तो 100 रुपए महीने से भी आप एक माइक्रो सिप शुरू कर सकते हैं, तो ये एक जो सुविधा है वो सबके लिए है। लेकिन जो जो एक माइंडसेट है, क्योंकि ये दिल और दिमाग की लड़ाई है कि हम किसी चीज पे स्पेंडिंग करें या हम सेविंग स्टार्ट करें, तो पहला जो मुझे लगता है कि बच्चों को अपना क्या करना चाहिए, बजट डायरी बनानी चाहिए, चाहे भले ही वो पॉकेट मनी की हो, वो बजट डायरी में उनको लिखना चाहिए कि मुझे महीने में कितना पैसा मिलता है, या कभी रिश्तेदार होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो उनको दे देते हैं, तो जो हमें पैसा मिल रहा है वो हम किन चीजों पे खर्च करें, और यदि हम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ खर्चा करके कुछ की हम सेविंग करें, और फिर वो सेविंग के लिए अपने पेरेंट्स की या जो उनके घर में बड़े हैं या जिनके साथ वो डेली उठते बैठते हैं उनके सीनियर्स, उनसे पूछ सकते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसी इंक्वायरीज आती हैं हमारे पास, लेकिन उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा नंबर आप देखेंगे तो स्पेंडिंग्स वालों का ज्यादा है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसी उम्र है जहां पर कुछ जो चीजें हैं, कुछ या तो गैजेट्स हैं, वो ज्यादा आकर्षित करते हैं जेन जी को, और करना भी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। और जब आप खुद कमाने लगते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि आप कैसे बचत के साथ साथ अपने खर्चों को भी मैनेज करें। पर जब निवेश की बात आती है, प्रतिभा, जो माइनर हैं, बेसिकली जो 18 साल से कम आयु वाले बच्चे हैं और जो जेन जी में आते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ज़रा तरीका बताइए कि एक जो बच्चा अडल्ट नहीं है अभी, 18 साल से कम आयु के हैं, वो म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं? उनका जो बैंक अकाउंट हम खोलते हैं, जो माइनर बच्चे हैं उनका भी बैंक अकाउंट होता है, उसमें वन ऑफ द पेरेंट जो है वो गार्डियन रहते हैं। अगर उनका बैंक अकाउंट है और नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, एज प्रूफ वगैरह है उनके पास, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है माइनर के लिए, तो पेरेंट्स के साथ मिलके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट सब गिफ्ट्स देते हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, वो पैसे उनका हो जाता है और उनके नाम पे चला जाता है। जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है वो खुद कर सकते हैं, मतलब उनके परमिशन के बिना ना रिडीम हो सकता है ना इन्वेस्ट हो सकता है। जैसे बैंक अकाउंट का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम माइनर टू मेजर, वही म्यूचुअल फंड्स का भी होता है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है बच्चों को एक फाउंडेशन बनाने का कि इन्वेस्टमेंट्स कितना बढ़िया होता है, और बाद में उनको समझा सकते हैं थोड़ा, जैसे वो 15-16 ईयर्स के होते हैं, हम समझा सकते हैं, देखो हमने स्टार्ट किया था आपका SIP, आपका सालाना बर्थडे गिफ्ट वगैरह हमने किया था और ये इतना ग्रो हो गया, कंपाउंडिंग का मैजिक इतना हुआ, वेल्थ इतना बिल्ड कर सकते हैं। ये अगर हर बच्चे को ऐसा एजुकेशन दिया जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आगे जाके अच्छा वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। बिल्कुल,
विकास, आप एक जेनजी को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो एक नया आईफोन लेने की बजाय थोड़ा इंतज़ार करें या फिर एक चीपर ऑप्शन अभी फ़िलहाल उसकी तरफ जाएं? तो वो क्या एक पावर हो सकता है कन्विंस करने का जो कि एक जेनजी स्मार्टली समझ पाए? जी, आजकल क्या है, बहुत अच्छे मापदंड हो गए हैं। आप अपना फिनटेक वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए, आपने यदि एक फोन 1 लाख रुपए का लेना है, वही अगर आप एक या दो मॉडल पीछे का लेंगे और 50,000 का ले सकते हैं और रिमेनिंग 50,000 इन्वेस्ट करें, तो कैसे आप 2 साल या 3 साल या 4 साल में आपका ये पैसा ग्रो करेगा। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कैलकुलेटर्स रहते हैं, तो कैलकुलेटर में आप उनको बता सकते हैं कि ये देखिए, आप 5,000 रुपये महीना जोड़िए और आपका 3 साल के बाद में 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए बन सकता है। तो 3 या 4 साल के बाद जब आप ये अपना फोन है उस टाइम पे जो नया मॉडल आएगा उसको लेने के लिए आपके किसी और के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, आपका पैसा ही आपको वो फोन दिला देगा। तो थोड़ा एफर्ट, तो जैसा मैंने बोला कि पेरेंट्स को, इनफैक्ट स्वाति आपके माध्यम से ये मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया में स्कूल्स में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके बहुत ज्यादा कुछ करिकुलम्स नहीं है, और ये स्कूल्स का भी दायित्व बनता है कि बच्चों को एक कोई छोटा सब्जेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी पे होना चाहिए जो राइट फ्रॉम बिगनिंग से हो, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं और जब वो अपना मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो या अपनी पर्सनल सेविंग बाय वे ऑफ देयर पॉकेट मनी, वो इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि हाँ, उन्हें मालूम है कि सेविंग करने से क्या बेनिफिट होता है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है। तो छोटे बच्चों को राइट फ्रॉम बिगनिंग एक कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि आप फोन को 1 या 2 साल पीछे का मॉडल लीजिए, वो आपको हाफ द कॉस्ट में मिलेगा, दूसरे पैसे को इन्वेस्ट करिए, 3 या 4 साल में वो पैसा इतना ग्रो कर देगा कि उस टाइम पे जब नया कुछ आएगा आप वो खरीद सकते हैं, चाहे वो फोन है, चाहे वो वेकेशन है, चाहे आप कोई भी चीज बोल लीजिए जो एक टेम्प्ट करती है एक यंगस्टर को, जेन जी को परचेज करने के लिए। बिल्कुल। और अब जब यही जेन जी कमाने की शुरुआत करते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक नए आयाम की तरफ बढ़ते हैं प्रतिभा, तब मनी मैनेजमेंट कितना अलग हो जाता है? पहली आय से जो निवेश का तरीका हो एक जेनजी का, वो कैसा होना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अडल्ट हो जाते हैं और अपना पहला सैलरी से अपना हेल्थ फाइनेंशियल जो हैबिट्स है वो हेल्दी रहे। कैसे होना चाहिए मैं बता रही हूँ। आमतौर पे 18 इयर्स के बाद उनको लगता है कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है इन्वेस्ट, यू नो, अर्न करना, अभी इतनी जल्दी क्या है, हम इन्वेस्ट करेंगे, आराम से करेंगे, 2 साल बाद 5 साल बाद पहले अपने ख्वाहिश सब पूरे करते हैं, दैट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अच्छा फाइनेंशियल हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं तो एक परसेंटेज आप मान लीजिए मन में कि मैं अपने स्टार्टिंग में इनकम का सिर्फ 10% मैं सेव करूंगा। जैसे आपने 100 रुपये कमाया तो 10 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और 90 का आपने, आपको जो करना है आपने किया। ये बहुत अच्छा एक तरीका है आपको सेविंग्स करने का, क्योंकि आप छोटा सा एक रकम डाल के बंद नहीं करेंगे, हर साल जैसे आपका इनकम बढ़ता है आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाते रहेंगे। सेकेंडली, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, उनको लगता है कि ये बहुत पुराने स्टाइल का है, मतलब ये क्या बता रहे हैं, ये इनका जनरेशन ऐसा करता है, लेकिन ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रॉड आइडिया, मैं नहीं बता रही हूँ पाई पाई का आप हिसाब रखो, लेकिन अगर ब्रॉडली आप आपको पता है तो आपको बहुत काम आएगा। और जैसे उन्होंने बताया विकास जी ने, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता, आज आपने इन्वेस्ट किया कल आप लखपति नहीं बनने वाले हो, उसमें टाइम लगता है, आप टाइम दीजिए और उसको देखते रहिए, अच्छा सा एक रकम बन जाएगा, ये थर्ड हैबिट है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है क्रेडिट कार्ड, आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जैसे आप 18-19 के हो तो आपके पास शायद एड ऑन क्रेडिट कार्ड है या फिर खुद का क्रेडिट कार्ड भी है। क्रेडिट कार्ड डेट या पर्सनल लोन से बच के रहे, ये बहुत मतलब आपके पूरा इन्वेस्टमेंट को डीरेल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनेंशियल लेसन्स को आप ध्यान रखें। बिल्कुल विकास, मुझे एक बात बताइए, ये जो जेनजी वाला ग्रुप है, मतलब जो लगभग 26-27 साल तक के की जो युवा पीढ़ी है, जो निवेश कर की शुरुआत कर चुके हैं, उसका एक निवेश ट्रेंड क्या हमारे पास है? अगर हम थोड़ा मोटा मोटी समझने की कोशिश करें कि कहाँ पर ये ज़्यादा निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि
हमें मालूम है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो हैं ही, जैसे पेरेंट्स तो सबसे पहले बच्चे का पीपीएफ अकाउंट ही खोल लेते हैं, कुछ ना कुछ सही तो पीपीएफ तो होना ही चाहिए, एफडी में नाम से पैसे डाल दिए। लेकिन जब ये बच्चे खुद इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो इनकी रुचि ज़्यादा कहाँ पर है? नहीं, जब ये कोविड का वेव आया था और जब काफी सारे लोग अपने घरों में बैठे थे, तो जेन जी का आपने एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड था वो इमर्ज हुआ था क्रिप्टो करेंसीज में, और बहुत सारे स्पेशली यंग जनरेशन ने, बिकॉज ये टैक्स हैवी है जनरेशन, तो इन्होंने क्रिप्टोज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और उसमें बहुत सारा इन्होंने पैसा शुरू में बनाया और फिर उसके बाद में बहुत सारा गवाया। उसका सिर्फ अच्छी साइड या फ्लिप साइड ये थी कि इनको एक चीज समझ में आ गई कि आंखें बंद करके इन्वेस्ट करने से पैसा नहीं बनेगा, आपको एक फंडामेंटल्स जानना जरूरी है कि किस एसेट क्लास में आप पैसा डाल रहे हैं और वो पैसे का लॉजिक क्या है, किस वजह से वो बढ़ सकता है। तो वहां से शिफ्ट हुआ और इमिडिएटली ये इक्विटीज में आ गया। अगर आप देखेंगे स्वाति, अभी एनएससी का एक डेटा आया था कि यूनिक जो अकाउंट्स है हमारे 8 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो न्यू कमर्स हैं वो सभी जेन जी वाले हैं जो आप बोल रहे हैं। तो ये जो क्रिप्टोज की वजह से जो उन्होंने नुकसान झेला उसको एक बहुत जल्दी उनको लाइफ के बहुत अर्ली स्टेज पे ही मालूम पड़ गया कि हमें आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है। फिर उन्होंने इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया जब आपके बहुत सारे फिनटेक कंपनीज ने ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की एक सुविधा दे दी, और उसमें अच्छी बात यह थी कि थोड़ा पैसा बना। तो अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे तो जेन जी आज की डेट में अगर उनकी फेवरेट कुछ एसेट क्लास है तो वो इक्विटीज है या फिर म्यूचुअल फंड्स है। ओके, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जेन जी का एक कुछ खासा लगाव है जो हम देख पा रहे हैं, वो आंकड़ों से भी सिद्ध हो ही जाता है कि नए जितने भी अकाउंट खुले उसमें ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो जेंजीज के हैं, मतलब जो बच्चे लगभग 26 साल तक की उम्र के हैं, युवा पीढ़ी है, जो हम बच्चे नहीं कहेंगे युवा पीढ़ी कहेंगे, वो लोग ये खाते खोल रहे हैं। तो जेन जी की निवेश की तैयारी, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश और हम बात कर रहे हैं विकासपुरी से। अब प्रतिभा, अब जब पहली सैलरी हाथ में आ गई तो इस पहली सैलरी को डिवाइड कैसे करें, क्योंकि जिसके हाथ में पहली सैलरी आई है वो चाहते भी हैं कि एंजॉय भी करें, एंजॉय के साथ साथ खर्च भी करना चाहते हैं और निवेश का भी थोड़ा एक मार्जिन रखना चाहते हैं, तो डिवाइड कैसा होना चाहिए? स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि ये सैलरी बहुत कम है, इसमें मेरे ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है तो मैं कहाँ से निवेश करूँगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप एक परसेंटेज तय करें अपने मन में, भले ही वो 10% क्यों ना हो, आप 10% अपने इनकम का साइड में रखें कि ये मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये पैसा मैं साइड में रखता हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप निवेश कर रहे हैं तो मन में आपका कोई गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। ये हो सकता है कि आपको वो जो वेकेशन जाना था आपके फ्रेंड के साथ उसके लिए हो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यंग पर्सन कि वो अपने आप को अपस्किल करते रहे, कि वो हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपस्किल करने में भी पैसा और टाइम दोनों लगता है, उसके लिए निवेश करें। तो आप पहले सोच लीजिए किस कारण से आप कर रहे हैं, एक परसेंटेज तय कर लीजिए, और उसमें से अगर आप दो ही गोल्स के लिए कर रहे हैं, एक तो वेकेशन के लिए, एक साल बाद वेकेशन के लिए, और दूसरा है आप 2-3 साल बाद अपना मास्टर्स करना चाहते हैं या कुछ और कोर्स करना चाहते हैं, तो अलग अलग निवेश का जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आप कौन सा इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए ये आप तय कर सकते हैं। और विकास, इसी पहली सैलरी से जब SIP प्लान करें, चाहे वो छोटा लक्ष्य हो या फिर बड़ा लक्ष्य हो, क्या फायदा होता है पहली सैलरी से ही SIP की शुरुआत करने का? सी स्वाति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसा बोला जाता है कि एक और आठवां अजूबा है दुनिया में। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये महीना सेव करता है और वो 20 साल तक सेव करता है तो उसके 75 से 80 लाख रुपये बन जाते हैं, और यही वो 20 साल के बदले 25 साल तक करें, केवल और 5 साल अपना उस निवेश को बनाए रखें, तो सीधा वो 1.5-1.5 करोड़ के ऊपर वो अमाउंट बन सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो शुरुआत से ही अगर निवेश करना शुरू कर दिया जाए तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और जैसा प्रतिभा जी ने बोला, ये बहुत अच्छी बात बोली कि अगर किसी को लगता है कि मेरी सैलरी कम है, मैं अभी निवेश नहीं कर सकता हूं तो बाद में करूंगा, देखिए जिसकी मंशा सेव करने की होती है वो 25 में भी कर लेगा, और जिसकी नहीं होगी वो 50,000 की सैलरी हो जाएगी तो भी ये बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं बच रहा है, और 1 लाख रुपए की हो जाएगी तो भी बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं बच रहा है। ये क्यों नहीं बच रहा है?
इसलिए नहीं बच रहा है बिकॉज उनको अपना जो कॉस्ट कटिंग है या उनको जो मैनेजमेंट है अपने फाइनेंसिस की, वो शायद कहीं अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे कि जहां पे वो अपने एक्सपेंसेस कट कर सकते हैं वहां नहीं कर रहे। इसीलिए हमने शुरुआत में ये बोला कि बजट डायरी बनाइए और उस बजट डायरी में ही देखिए कौन से एक्सपेंसेस आप अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग को लेके हो, चाहे वो वीकेंड मूवी देखने का हो, या चाहे आप एक्सपेंसिव गैजेट्स को लेके हो। सो बजट डायरी जरूर बनाइए, वो आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं या कहाँ पे आपको स्कोप है बचाने का, आप नहीं बचा पा रहे। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो तीन चीजों के ऊपर जरूर फोकस करिए, एक टर्म प्लान जरूर ले लीजिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, शुरुआत छोटे छोटे से करिए, बाद में आप उसको ऐड कर सकते हैं, और एक सिप ले लीजिए। ये तीन चीजों से शुरुआत करेंगे तो फ्यूचर काफी सिक्योर रहेगा। आपने काफी इम्पोर्टेंट बोला कि वैसे शुरुआत एक अच्छे इंश्योरेंस प्लान से ही होनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले ही आपको इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। जैसा विकास ने बताया कि एक टर्म प्लान हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फैमिली फ्लोटर हो गया, किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ ऑफिस से मेडिक्लेम प्लान मिलता है, लेकिन उसे एक अलग आपका अपना एक प्लान भी होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा, कई जो जेंजी हैं, और अभी तो रिपोर्ट भी आई थी कि कई जो लोग हैं वो लोन लेकर घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, और जो यंगस्टर्स को थोड़ा शौक भी होता है कि गाड़ी जल्दी हो जाए या घर का भी प्लान वो करना चाहते हैं, इसलिए थोड़े करियर की शुरुआत में ही थोड़ा ज़्यादा डेट हैवी रख लेते हैं अपना पोर्टफोलियो, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? डेट में भी दो तरीके का है, एक आप एसेट खरीद रहे हो जो एप्रिशिएट होगा जैसे कि घर, और एक आप कुछ खरीद रहे हो जो डेप्रिशिएट होगा जैसे कि गाड़ी। जो डेप्रिशिएट होने वाला एसेट है उसको अगर आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं कि आप ये डेप्रिशिएटिंग एसेट को 4-5 साल बाद खरीदे तो अच्छी बात होगी। और जहां तक घर की भी होम लोन लेके अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ता है कि मेरा कितना परसेंटेज ऑफ इनकम जो है ईएमआई में जाएगा। और आप इतना कम उम्र में 25-26 हम जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, अगर आप घर खरीदना चाहोगे तो आप जो अफोर्ड कर पाओगे उसमें शायद आप 4-5 साल बाद उससे कहीं बेहतर आप अफोर्ड कर पाओगे घर। और एप्रिसिएशन का गारंटी तो कोई भी एसेट क्लास में नहीं है, बट रियल एस्टेट काफी वॉलेटाइल रहा है, तो हमारा सुझाव यही होगा कि ये जो एसेट्स जो लोन लेके करना चाहिए ये बहुत अर्ली हो जाता है। इवन दो इट्स एन एप्रिशिएटिंग एसेट, आप थोड़ा टाइम रुक जाए ताकि आप सोच समझ के वैसा घर खरीदे जहां पे आप कम से कम 5-10-15 साल रह सके। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद आपको लगे कि ये बहुत छोटा पड़ रहा है, आई कैन अफोर्ड अ मच बेटर हाउस नाउ। ओके, और विकास आखिरी सवाल आपसे होगा कि जो नौकरी पेशा जेंजी हैं वो अपने अलग अलग अवधि के लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड में ही कैसी कैटेगरीज में निवेश कर सकते हैं? सो अगेन, जैसे बजट डायरी की हमने बात की, वैसे ही आपके शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म जो गोल्स रहते हैं, और एक आपके मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जो और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जेंजी को अपनी सैलरी जो है वो इमिडिएटली आप सैलरी डाल दीजिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, या अपने बैंक वाले से बोलिए कि मुझे स्वीप इन अकाउंट कर दीजिए ताकि मेरी ऑटो एफडी बन जाए, तो एटलीस्ट क्या पैसा दिख, अगर दिखता है तो वो खर्चा हो जाता है, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाएं। फंड्स के हिसाब से जो इमीडिएट गोल्स है आपके 1-2 साल के अंदर अंदर वाले, वो आप आर्बिट्राज फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखें और वहां से उस पैसे से यूज करें। अगर आपका गोल जो है वो 2-3 साल के बीच में कोई मिड टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल है, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं या हाइब्रिड फंड्स हैं, ऐसे फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, जैसे आपने घर खरीदना है या बच्चों की शादी है या रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो उसमें इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो होराइजन है वो 5 साल के ऊपर होना चाहिए, 5-10 साल के ऊपर होना चाहिए, तो ही आपको ये अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे और एक अच्छी सेफ्टी मिलेगी फंड्स। तो अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि कौन सी अवधि के लिए कैसे म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठते हैं, जिसका जिक्र अभी विकास ने किया। और बहुत इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस का ध्यान रखिए और ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेने से बचें। आप नहीं चाहेंगे कि जितनी आपकी चादर है उससे ज़्यादा आपको पैर फैलाना पड़े और उसके बाद फिर कर्ज के बोझ तले आप बिल्कुल इतनी शुरुआत में ही फंस जाएं, इसलिए बहुत स्मार्टली प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इसमें हमारी मदद की विकास और प्रतिभा ने, आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।